Hello everyone, welcome to IQ Tap. Let's start with the newspaper analysis for 17th of January 2022. First of all, let's understand कि हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा दैट हैज कम फॉर दिसंबर 2021. तो हमें इससे मालूम चला कि हमारा इन्फ्लेशन इसमें काफी इंक्रीज हुआ है. तो जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उसका एक्जैक्ट रीजन क्या है हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट अ न्यू प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च दैट इज कॉल्ड एज चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज C2S प्रोग्राम. तो हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट अ रीसेंट नेशनल अवार्ड दैट हैज बीन गिवन फॉर ई गवर्नेंस. नाउ जो दिया गया है नागालैंड के अंदर एक शहर था मॉन डिस्ट्रिक्ट, आपको याद होगा मॉन डिस्ट्रिक्ट, उस मॉन डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए एक अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस के लिए जो बेस्ट है, मतलब उसमें दिया गया है. फोर्थ इज ऑक्सफॉर्म जो इंडिया है जो एक टाइप का एनजीओ है, एक टाइप का मूवमेंट है, इसने एक न्यू रिपोर्ट निकाला दैट इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट. तो हम इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे. आपको प्री के परस्पेक्टिव से बस इतना ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी किल्स का रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, दैट इज ऑक्सफॉर्म इंडिया. और मेंस के परस्पेक्टिव से हम इसमें कुछ डेटा एंड कुछ फिगर्स इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि चाइना के अंदर जो लो बर्थ रेट था उसका एक रिकॉर्ड लेवल का लो हुआ है, मतलब 2021 के अंदर जो बर्थ रेट आया है दैट हैज यू नो एक्चुअली फॉलन डाउन. 2020 का माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा नीचे था, पर 2021 का यहां पर सबसे ज्यादा नीचे का डेटा आया है सामने. तो हम इसको समझेंगे. Let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about the retail inflation data for December 2021. देखिए डेटा ये आया है कि दिसंबर 2021 में जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन था that has actually increased to around 5.59%. What is retail inflation first of all? देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है हिंदी में महंगाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है. महंगाई मतलब किसी भी चीज का प्राइस अगर कुछ लंबे टाइम तक इंक्रीज रहे दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक है. देखिए अगर एक चीज का प्राइस अगर अचानक से एक दिन इंक्रीज होता है और अगले दिन फिर से डिक्रीज हो जाता है दैट इज नॉट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए मतलब वो ऊपर रहना चाहिए, मतलब प्राइस हमेशा ऊपर रहना चाहिए तभी उसे इन्फ्लेशन कहेंगे. और रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है, रिटेल का मतलब होता है जो बाहर आप शॉप से जो छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज रिटेल शॉप, ठीक है. तो रिटेल इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है, शॉर्ट टर्म में मतलब है कि जो भी आप डेली आइटम्स में जो चीजें आप यूज करते हैं उसके अंदर जो महंगाई है तो बढ़ी है फिर कम हुई है. तो हमें मालूम चला है कि दिसंबर के अंदर उसकी महंगाई इंक्रीज हुई है अराउंड 5.59% से. नाउ दिस इज हाईएस्ट इन द लास्ट 5 months, काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज हो रहा है हमारा जो हमारा यहां पर इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले 5 महीनों. इन्फ्लेशन का डेटा कौन निकालता है, वो निकालता है मॉस्पी. मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नाम का जो बॉडी है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो इस पर्टिकुलर डेटा को निकालती है. और उसको निकालने के लिए जो एक इंडेक्स जो यूज करती है दैट इज कॉल्ड अ सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब देखिए यहां पर दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, एक होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप नाम से समझेंगे दिस इज सीपीआई. सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर लेवल पे. कंज्यूमर मतलब कौन, कंज्यूमर मतलब हम जो हम डेली की चीजें जो खाते हैं खरीदते हैं इन सब के बेसिस पे उसमें क्या कोई महंगाई हुई है या फिर नहीं आई, उसमें क्या कोई प्राइस बढ़ा है या फिर नहीं आया है, उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर वो चीज आता है. और होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, होलसेल का मतलब क्या होता है, थोक आप कह सकते हैं, ठीक है. थोक का मतलब क्या होता है, थोक का मतलब है जहां पर एक साथ बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, बल्क में खरीदा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज थोक. तो ये WPI पे कौन आ सकता है, सोचिए क्या हम जाकर कोई सामान थोक में खरीदते हैं, क्या जब हम जैसे मान लीजिए अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं तो हम कितनी चीनी खरीदते हैं, 5 kgs, मैक्सिमम 10 kg खरीदते हैं. इसे कहते हैं रिटेल कंज्यूमर, मतलब जो अपने डेली यूसेज के लिए एक महीने के लिए खरीदता है. लेकिन अगर होलसेल की बात करेंगे तो शॉपकीपर जो होते हैं ना वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आते हैं, बिकॉज देखिए एक बार में वो कितना खरीदते हैं, 100 kgs, 200 kgs, 500 kgs, बिकॉज उन्हें बेचना होता है, राइट. इसी चीज के लिए जो सीपीआई है उसके अंदर हम लोग आएंगे यानी कि कंज्यूमर्स, और होलसेल के अंदर कौन आएगा, शॉपकीपर्स वगैरह आते हैं. तो इसलिए जब भी आपको इन्फ्लेशन चूज करना है ना तो हमेशा आप सीपीआई के बेसिस पे जाइए, बिकॉज आपको इन्फ्लेशन चूज करना होता है हमारे पर्सपेक्टिव से, जो कंज्यूमर्स जो सामान खरीद रहे हैं उसमें महंगाई बढ़ रही है फिर नहीं बढ़ रही है आपको उसे ट्राई करना है, राइट, ठीक है. तो इसलिए हम इसको हमेशा सीपीआई पे मेजर करते हैं, कभी हम WPI पे मेजर नहीं करते. अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारा जो डेटा आया रिसेंटली उसको कंपेयर करें, तो देखिए हमेशा आप एक साल पीछे से हमेशा इसको कंपेयर करना है. तो अगर दिसंबर 2021 का महंगाई 5.59% है, तो दिसंबर 2020 से कितना था, इट वाज अराउंड 4.59%. तो देख रहे हैं हम एक्जैक्टली 1 basis point इंक्रीज हो गए, मतलब 1.0 इतना बेस पॉइंट हमारा इंक्रीज हो गया है. अगर आप 6 महीने पीछे जाएंगे अराउंड जुलाई 2021 में, मतलब देखिए ये हमारा दिसंबर का डेटा है, अगर हम 6 महीने पीछे जाएंगे तो देखिए 5.59% इतना ही था, सेम टू सेम. मतलब अगर हम 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो हमारा महंगाई इंक्रीज नहीं हुआ है, बट अगर हम हमेशा हम अगर बेस ईयर के साथ देखेंगे, मतलब पिछला ईयर अगर हम उसको चेक करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा यहां पर 1% डायरेक्टली इंक्रीज हो गया. अगर देखिए जुलाई 2021 में एक्जेक्टली 5.59% था, अक्टूबर में आते आते महंगाई कम हो गई 4.49% हो गया. ऐसा क्यों हुआ था आपको याद होगा, जुलाई के बाद जब धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट कम होना स्टार्ट हुआ था, जुलाई अगस्त के टाइम में सितंबर के टाइम में डेल्टा वेरिएंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ था और फिर से यहां पर डिमांड बढ़ी थी, इसलिए इन्फ्लेशन यहां पर नॉर्मल हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा चीजें का प्राइस नहीं बढ़ रहा था बिकॉज धीरे धीरे डिमांड यहां पर सर्ज हो रहा था. उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर होते होते फिर से यहां पर इन्फ्लेशन देखिए इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और दिसंबर में हमने देखा फिर से यहां पर इन्फ्लेशन जो है 5.59% पे इंक्रीज हो गया. तो कंपेयर अगर हमने इसको कंपेयर कहां से करना है, कंपेयर हमेशा हमने इसको एक साल पहले से करना है, ठीक है. सेम आपको सेम मंथ चूज करना होता है पिछले महीने का, उसके बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हैं.
अब देखिए, ऑल दो ये 5.59% पे, बट इसके बावजूद जो हमारा अभी का इन्फ्लेशन है दैट हैज रिमेंड विद इन द टॉलरेंस लेवल ऑफ आरबीआई. आरबीआई हमेशा एक आरबीआई ने बेसिकली एक लेवल सेट कर रखा है, दैट परसेंटेज 4%, आपको ध्यान रखना है. अब 4% के आगे होता है प्लस माइनस 2%, ठीक है. इसे कहते हैं, ये हमारा इन्फ्लेशन का रेंज है, आप बस इतना ध्यान रखिए. देखिए 4% प्लस माइनस 2%, इसका मतलब क्या है, 4% में प्लस, पहले तो 2% प्लस कीजिए तो कितना हुआ 6% हो गया, अब 4% में 2% माइनस कर दीजिए कितना हुआ 2% हो गया. तो ये हमारा रेंज है. तो दिस इज द आवर हमारा इन्फ्लेशन का रेंज. इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ ये है कि हमारा इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में अगर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी हमारा इन्फ्लेशन कितना है 5.59%, तो दैट इज विद इन दिस लिमिट. सो इसके लिए आरबीआई ने बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो जो टारगेट जो आरबीआई ने सेट कर रखा है दैट इज विद इन 2% एंड 6%, और जो टारगेट है पिछले 2 साल से लगातार फॉलो हो रहा है, मतलब हम इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं निकले हैं, दैट इज गुड, ठीक है. अब अगर हम जो ये तो हमने देखा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, अगर हम थोड़ा सा अब इसमें डीप जाए और फूड इन्फ्लेशन का चेक करें. देखिए तो फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज इंक्रीज अराउंड 13.35%. मतलब फूड इन्फ्लेशन मतलब खाने की जो चीजें हैं उसमें महंगाई काफी बढ़ गई है. मतलब जो भी चीजें पिछले साल 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो सामान देखिए 13 रुपए महंगा हो गया उसके कंपैरेटिवली, मतलब वो 113 रुपए का मिल रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है. और अगर देखिए, मतलब बस आपको एक साल पीछे का हमेशा देखना है, अगर इन्फ्लेशन यहां पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन जो आरबीआई ने दिया है दैट इज बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बेस इफेक्ट. अब इसका जो बेस ईयर है दैट इज 2011-12, ठीक है. तो ऐसा माना जा रहा है 2011-12 का जो मतलब पिछला डेटा है, हमेशा हम पीछे से जाकर चेक करते हैं, मतलब जो हमारा बेस ईयर है हम जाकर उससे चेक करते हैं कि उसके कंपैरिजन में हमारा अभी का इन्फ्लेशन कैसा है, ऊपर है नीचे है. तो उसके अगर हम बेसिस पे देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन सही जा रहा है, बट जैसे ही हम अपने पिछले साल के इन्फ्लेशन से देखते हैं ना, मतलब हम बेस इफेक्ट को जैसे चेंज करते हैं, अपना बेस ईयर जैसे चेंज करते हैं ना, वैसे ही हमारा इन्फ्लेशन मतलब ऐसा शो होने लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. बट कंपैरेटिवली आरबीआई कहना यह है कि इन्फ्लेशन जो है पूरी तरीके से लिमिट के अंदर है. यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस एक टाइम में 100 रुपए की, ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज है, 6 महीने बाद उसको जब हमने देखा तो 150 रुपए की हो गई, और 6 महीने बाद फिर से देखा तो 200 रुपए की हो गई. अब देखिए जब ये 100 रुपए की थी, 100 रुपए से इंक्रीज होकर जब 150 रुपए हो रही थी, तो कितना का प्राइस इंक्रीज हुआ यहाँ पर 50. तो अगर 50 रुपए इंक्रीज हुआ, 50 को अगर हम इसका परसेंटेज टर्म्स निकालेंगे, अगर हम ठीक है अगर हम निकालेंगे इसका परसेंटेज टर्म, तो कितना हुआ 50% इंक्रीज हो गया, राइट. ये देखिए 50 डिवाइडेड बाई CP into 100, ठीक है, इसको अगर करेंगे तो यानी इसका मतलब क्या हुआ 50% इंक्रीज हो गया. बट अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए 150 से जब 200 जा रहा है ना, तो एक्चुअली 50% इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां पर जो बेस ईयर है वो उसका उसका खुद का ही प्राइस काफी ज्यादा है. तो अगर यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पर देखो कितना हो रहा है, ऑल्दो यहां पर डिफरेंस तो 50 का ही है, बट यहां पर सीपी चेंज हो गया, यानी कि यहां पर 150 हो गया इनटू 100 अगर करेंगे तो यहां पर आंसर आपका आएगा 33% के आसपास में. तो दैट कम्स टू अराउंड 33%. इसके कारण एक्चुअली हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो पिछले साल का ज्यादा था, बट एक्चुअली इन्फ्लेशन यहाँ पर दोनों टाइप का सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर बेस का डिफरेंट है, उसके कारण यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है. बेस का डिफरेंट होने के कारण, डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर अच्छे से मालूम नहीं चल पा रहा है. आरबीआई के कहना सिंपल सी बात यह है कि जब तक हमारा इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहता है तब तक हमें कोई और इशू नहीं है. आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी यही बोलता है कि हमारा मेन टारगेट है 2% से 6% तक इन्फ्लेशन रखना. अगर आप देखिए एमपीसी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि आरबीआई का एक बॉडी है, इसकी अगर बात करेंगे इसके दो मेन टारगेट्स होते हैं. पहला होता है कि इन्फ्लेशन को इसको चेक के अंदर रखना होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को आपको प्रॉपर्ली ध्यान देखना है, और सेकंड चीज जो होती है वो होता है ग्रोथ पे ध्यान देना. तो पहला टारगेट हमेशा यही होता है कि आपको इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है, बट अगर आपका इन्फ्लेशन पूरी तरीके से चेक के अंदर है, इन्फ्लेशन अगर आपका कंट्रोल के अंदर है, तो आपका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि आप ग्रोथ पे ध्यान दीजिए अब इंडिया के ग्रोथ को और ज्यादा सस्टेन कीजिए और ज्यादा इंक्रीज कीजिए, ठीक है. तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर है, इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है, अब आरबीआई जो है अपने सारा का सारा ध्यान कहाँ लगा रही है, ग्रोथ के ऊपर. अब इंडिया को ग्रो कराने के लिए, इंडिया के जीडीपी को इंक्रीज कराने के लिए डिफरेंट प्लानिंग्स लगाई जा रही है, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज अबाउट C2S प्रोग्राम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम. इसको समझते हैं. देखिए जो ये चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एप्लीकेशन मांगे हैं बहुत सारी स्टार्टअप से, एमएसएमई से, आरएनडी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन सबसे एप्लीकेशन मांगे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि जितने लोग एप्लीकेशन देंगे ना उसमें से अराउंड 80 मतलब देखिए उनमें से कुछ अराउंड 100 बॉडीज को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनमें से जो जो एप्लीकेशन देंगे इनमें से 100 बॉडीज को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये 100 बॉडीज क्या करेंगे एक साथ मिलकर, इनका काम ये होगा कि अराउंड 85,000 इंजीनियर्स को ये लोग ट्रेन करेंगे. ट्रेन करेंगे किस चीज में, वो लोग मतलब उसको ट्रेन करेंगे इन VLSI सिस्टम. VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम. अब शॉर्ट में समझिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो चिप्स एंड सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री होता है ना उससे रिलेटेड होता है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है VLSI इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से, और साथ ही साथ जो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन एरियाज है, मतलब यही ये भी मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर ही आता है. तो आपने चिप्स देखा होगा, राइट, चिप्स होते हैं ना, चिप्स उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वो इंटीग्रेटेड पार्ट्स होते हैं, उन सबको बनाने में जो काम आता है उसी चीज के लिए यहाँ पर 85,000 इंजीनियर्स को यहाँ पर ट्रेन करना है. इस ट्रेन करने के लिए डिफरेंट बॉडीज को चूज किया जा रहा है, उसमें से अराउंड 100 बॉडीज को चूज करना है, इसी चीज के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने CTOS प्रोग्राम स्टार्ट किया. अब जो ये
CTOs प्रोग्राम है उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो डेवलप करना चाहता है अराउंड 175 ASIC. क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. देखिए सर्किट क्या होता है, जैसे हमने बात की, एक चिप होता है, चिप के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स होती हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक मतलब जैसा काम है, जैसे डिमांड है, उसके हिसाब से आपको उसके स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनानी है, उसको आपको डेवलप करना है. सेकंड, आईपी कोर रिपोजिटरी बनाना है. और थर्ड, हमें वर्किंग प्रोटोटाइप्स बनाने हैं अराउंड 20 सिस्टम्स ऑन चिप्स के. सिस्टम ऑन चिप्स क्या होता है, देखिए अब आप एसओसी को अगर समझते हैं सिस्टम ऑन चिप को, तो आप यहां पर इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए. आप ये देख सकते हैं दिस इमेज, दिस कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चिप. सिस्टम ऑफ चिप बेसिकली एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है. देखिए ये टाइप का सर्किट है ऐसा जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है एक साथ लगाए गए हैं. तो देख सकते हैं अपन एसओसी क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप क्या होता है, एक टाइप का ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक आईसी बोल सकते हैं, मतलब आईसी एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इंटीग्रेट करता है. तो देख सकते हैं ये देखिए कंडेंसर है, यहां पर चिप्स है, यहां पर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है एक साथ आकर सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर रहती है. एंड इसीलिए इसको बोला जाता है कि दैट इज इट इज सिस्टम ऑन चिप, मतलब एंटायर सिस्टम इट इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल चिप. ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल चिप, दैट इज कॉल्ड एसओसी. तो ये का तीसरा ऑब्जेक्टिव है. पहला है कि एसआईसी बनाना है, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटर सर्किट्स बनाना है. सेकंड है कि आईपी के लिए जो कोर रिपोजिटरीज होती है, जो कोर चीजें चाहिए, कोर जो मशीनरी है वो बनाना है. और थर्ड है कि सिस्टम ऑन चिप्स बनानी है बहुत सारी. ठीक है, अगले 5 सालों के लिए इसी चीज के लिए हमने यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट किया. दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो हमने देखिए इंडिया ने यह पर्टिकुलर सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है ESDM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का जो ये वाला जो सेक्टर है, यहां पर इंडिया काफी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है. यहां पर इंडिया अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहता है. इसी चीज के लिए यहां पर क्या किया है इंडिया ने, बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, रिसर्च लेवल पे अपनी जो इस पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर इन चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट किया है. अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, वो पिछले 5 साल पहले अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इसको ऑप्ट नहीं करते थे. ठीक है, अगर ये था भी हमारे उसके सिलेबस के अंदर था भी तो लोग इसे ऑप्ट नहीं करते थे. बट यहां पर इन चीजों को लोगों को यहां पर देखिए वो करने के लिए, लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए मतलब वो किया जा रहा है. ठीक है, आगे लाया जा रहा है कि आप आइए सामने और इस पर्टिकुलर सेक्टर में आकर काम कीजिए, बिकॉज यहां पर इंडिया को बहुत जरूरत है और यहां पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है. अब देखिए हमें जब जब मतलब चीजें जब जब देखिए जब यहां पे लोग आएंगे, जब यहां पे स्टूडेंट्स आएंगे तो क्या होगा, यहां पे स्टार्टअप्स आएंगे तो स्टार्टअप्स का ग्रोथ होगा, उसके कारण फैबलेस डिजाइन आने स्टार्ट होंगी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होंगी यहां पर आने स्टार्ट होंगी. ये प्रोग्राम जो है इट विल ऑल्सो एड्रेस ईच एंटिटी ऑफ वैल्यू चेन. अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेन होती है. अगर आप सप्लाई चेन सप्लाई सिस्टम की बात करेंगे, देखिए वहां पर क्वालिटी मैन पावर की ट्रेनिंग चाहिए, बिकॉज यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, हमें यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं चाहिए होते हैं. इसलिए पहली बात तो हमें मैन पावर को ट्रेनिंग करना होगा, तो हमें इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे. सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोग चाहिए होंगे, सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, हार्डवेयर का आईपी जो होता है उसको डिजाइन करने के लिए, प्रोटोटाइप को डिजाइन करने के लिए, फाइनली जो R&D करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए. मतलब हमारे पास इतने सारे सेक्टर है एक ही सेक्टर के अंदर, मतलब सोचिए हम कितना ज्यादा जॉब यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्किल जॉब्स यहाँ पे एक्चुअली ला सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में. तो बेसिकली एक बहुत अच्छा स्टार्टअप का ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, स्टार्टअप के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को आगे लाने की कोशिश की जा रही है. अब जो रिसेंटली जो प्रपोजल स्टार्ट किए गए हैं वो बेसिकली तीन डिफरेंट लिस्ट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है. पहला है कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं SICs जो हैं, IP कोर जो है, सिस्टम ऑन चिप्स जो हैं, इसका डिजाइन और डेवलपमेंट करना है. पहला सिस्टम तो यह है कि आप अगर आपको लगता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बॉडीज हैं या फिर जो भी कोई रिसर्च बॉडीज हैं, अगर वो उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट करने में काफी आगे है या फिर इस चीज में आ सकती है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड चीज, अगर आप उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं, मतलब अगर आप किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि प्रोटोटाइप्स बनाती है, वर्किंग प्रोटोटाइप्स बनाती है किसी भी चीज का. जैसे देखिए जब ये लोग डिजाइन बना देंगे, डिजाइन बनाने के बाद ये लोग इसको साइन करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डिजाइन का प्रोटोटाइप बनाएंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटोटाइप होता क्या है. प्रोटोटाइप का सीधा सा मतलब समझ सकते हैं, प्रोटोटाइप एक ऐसी चीज होती है जो फाइनल मतलब बॉडी बनाने से पहले जो एक फाइनल टेस्टिंग की जाती है ना, उसके लिए जो एक बॉडी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लीजिए कि कार है, ठीक है, आपने कार का एक मॉडल बना लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, सारा कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह कर ली, उसके बाद जब आप उस कार को फाइनल कार बनाएंगे, उससे पहले आप कार को जो चेक करने के लिए जो फर्स्ट कार बनाएंगे ना, फर्स्ट कार वो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप. ठीक है, तो एक्चुअली वो चेक किया जाता है, मतलब वो उसके अंदर सारे के सारे आप डिजाइन डालते हो, सारे के सारे फीचर्स डालने के बाद आप चेक करते हो कि कितने स्मूथली और कितने एफिशिएंटली वो पर्टिकुलर चीज काम कर रहा है. और यहां पर प्रोटोटाइप के अंदर आप काफी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, चेंजेस करके आप इसको एक फाइनल शेप दे सकते हो, तब जाकर आपका फर्स्ट कार जो है लॉन्च होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप. तो पहली बात तो यहां पर डिजाइन जब बन जाएगा, बहुत सारे एसओसीज यानी कि सिस्टम ऑन चिप्स का, बहुत सारे सिस्टम्स का, एसआईसीज का, उसके बाद क्या होगा, इसका प्रोटोटाइप बनने स्टार्ट होंगे. और जब प्रोटोटाइप बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा. तो यहां पर थर्ड जो यहां पर सेक्टर है, थर्ड जो प्रपोजल है, वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में चाहिए होगा. तो पहला डिजाइन के लिए, सेकंड प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और थर्ड उसका फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक फाइनल बॉडी बनाने के लिए. तीन टाइप के हमारे डिफरेंट लिस्ट्स हैं. ठीक है,
अब देखिए कौन है जो नोडल एजेंसी है, कौन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, दैट इज सीडैक। सीडैक क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, नाम की एक बॉडी है जो कि मिति के अंदर काम करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये काम करती है, और उसी के अंदर जो सीडैक है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, यानी कि जो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको यहाँ पर लॉन्च करेगा। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके 31 जनवरी तक यहाँ पर रहने वाले हैं, और आपको एप्लीकेशन वगैरह जो है उसको जो पोर्टल के अंदर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी के अंदर देना है। तो हमारे काम का यहाँ पर क्या है, हमारे काम का यहाँ पर देखिए पहला चीज तो है कि सीडैक ने इसको स्टार्ट किया है, सेकंड इसका मेन काम क्या था जिसको हमने काफी डिटेल में भी समझा, आपको वो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि एक्जेक्टली ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट क्यों किया गया। अगर आप लास्ट मंथ देखेंगे दिसंबर 2021 के अंदर क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए डिस्प्ले का जो मतलब सेमीकंडक्टर का जो डिस्प्ले इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए अराउंड 76,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन किया है हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, एम क्या है, एम ये है कि हम हमारी कंट्री के अंदर जितने भी चिप्स वगैरह है चिप्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जिससे कि हम एक ग्लोबल हब बन सके, ठीक है। इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है एक हाईटेक प्रोडक्शन में, मतलब जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी है जो चिप्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें हाईटेक मतलब एक हाईटेक प्रोडक्शन कंट्री बनाना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो चिप मेकर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया के अंदर आके इन चीजों का काम कर सके, ताकि इससे क्या होगा, इसके थ्रू हमारे अंदर एफडीआई आएगी, कैपिटल आएगा, इनकी पैसा आएगा, बहुत सारी मशीन आएंगी, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, ये सब चीज आएगा, इससे क्या होगा हमारे खुद के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये हमारा मेन एम है, इसी के लिए हमने पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट किया। अंडर दिस स्कीम इंडिया का मेन एम ये है कि इंडिया अराउंड 20 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यानी कि फैब जो लैब्स होते हैं उसको सेटअप करना चाहता है। कितने, 20 सेमीकंडक्टर फैब लैब्स को यहां पर सेट करना चाहता है अगले 6 सालों के अंदर, ठीक है। ये इंडिया का यहां पर मेन एम है, इसी के लिए यहां पर दिसंबर 2021 के अंदर अराउंड 76,000 करोड़ का एक प्लान स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा बूस्ट करने की बात की जा रही है, और उसी के अंदर अभी जो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर चीज को लाया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड दिए गए हैं फॉर ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस का पार्ट होता है उसके अंदर किसको दिया गया। पहली बात तो जो मॉन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर उसको दिया गया। आपको ध्यान होगा मॉन डिस्ट्रिक्ट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में थी, क्यों, बिकॉज यहाँ पर इंडियन आर्मी के एम्बुश के कारण 13 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, जो कि कोल माइनर्स थे जो कि काम करके वापस आ रहे थे, और इंडियन आर्मी को ऐसा लगा था कि शायद वो नक्सलाइट्स हैं और उनके ऊपर आर्मी ने अटैक किया था, ठीक है। तो ये वही वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसी को भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस के सेक्टर में। ये 24th अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ई गवर्नेंस का ऊपर, जो कि हैदराबाद के अंदर हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर ई गवर्नेंस का जो प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो ये ई गवर्नेंस है बट ये सिर्फ नेशनल कैपिटल के अंदर नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर होता रहता है, इस बार ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। अभी जो मॉन डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है किस पर्टिकुलर उसके अंदर दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है ICT के यूजेस के लिए। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने जितने अच्छे तरीके से कोविड को मैनेज किया है, इस चीज के लिए यहां पर इन चीजों को दिया गया, मतलब इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया गया। आई होप आपको चीज समझ आ रही होगी। एम क्या है इस पर्टिकुलर अवार्ड का, एम यह है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसे एक टाइप का रोल मॉडल की तरह आगे बढ़ाना है, ताकि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो लोग भी इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर सकते हैं और वो लोग भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। नाउ प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है जो इन्होंने स्टार्ट किया था मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका टाइटल था टेक्नोलॉजी इन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन। कोविड से फाइट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है मॉन डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने टेक्नोलॉजी काफी हेल्प किया था इसी चीज के लिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया गया था, इसका नाम था टेक्नोलॉजी इन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इनिशिएट किया गया था मॉन डिस्ट्रिक्ट जो कि नागालैंड के अंदर उसके द्वारा। और एम क्या था इसका, एम ये था कि जितनी भी हार्डशिप्स जो लोग मतलब लोगों को वहां पे हो रहा है मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, की मास्क की दिक्कत हो रही है और आसपास जो सब्जी वगैरह लाना है मेडिसिन लानी है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, उन सब चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और जो इन्फेक्शन का स्प्रेड हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर जो ये मेथड था टेक्नोलॉजी नीड टू एडमिनिस्ट्रेशन इसको यूज किया गया था। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी के हेल्प से अलग अलग चीजों को यहां पर यूज किया गया था, ठीक है, जैसे फोन के थ्रू यहां पर जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए जाते थे और जो घर थे मतलब जो लोगों के घर थे उसके अंदर तक वो पर्टिकुलर चीजें पहुंचाई जाती थी ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए गए थे। नाउ ये जो प्रोजेक्ट था इसने काफी हेल्प की थी लोगों की हार्डशिप्स को रिड्यूस करने में ताकि लोग जो है कोविड से सेफ रह सके, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां के मॉन डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी इफेक्टिवनेस यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मेन काम था। अगर आप नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे तो ये हर साल पहली बार तो दिया जाता है। एम इसका क्या है, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट एक्सीलेंस। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइप की ई गवर्नेंस के मेथड से हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी अच्छा काम हुआ है तो उसको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक्सीलेंस करना है, उसको प्रमोट करना है ताकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी इस चीज को फॉलो कर सके। इसको प्रेजेंट किया जाता है हमेशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस होता है उस टाइम में हमेशा इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसको देता कौन है, इसको हमेशा दिया जाता है डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो DARPG है
वो इसको हमेशा देता है। अगर आप नेशनल अवार्ड की बात करेंगे, ये नेशनल अवार्ड ऑल्दो दिया गया है जनवरी के अंदर, बट इसको अनाउंस किया गया था दिसंबर 2021 के अंदर, यानी कि एक महीने पहले इसको हमेशा अनाउंस कर दिया जाता है, उसके बाद ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रॉफी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक ट्रॉफी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, कैश प्राइज होता है जो कि 1 लाख रुपए का होता है, जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है और अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर अवार्ड का जो इस पर्टिकुलर इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस अवार्ड का अगर आप वो समझेंगे, तो पहली बात तो जैसे जैसा हमने बात की जो भी अचीवमेंट्स उसको रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड है कि किस पर्टिकुलर मेथड से कितनी इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, उसका डिजाइन क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, इन सब चीजों को यहां पर पब्लिक बनाना, ताकि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इस चीज को यूज कर सके। थर्ड इज कि जो भी इनोवेशन यहां पर हुए हैं उसको आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। राइट, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ए दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बी, मान लीजिए बी के अंदर कोई वाटर स्कार्सिटी का इशू चल रहा है, ठीक है, और इसने इसके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर वाटर स्कार्सिटी का इशू जो है उसको सॉल्व कर दिया गया। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन को जो है इसका सॉल्यूशन अगर आप ए में भी मान लीजिए सेम प्रॉब्लम है, वाटर स्कार्सिटी का इशू है, यहां पर भी सेम डिजाइन को आप यहां पर यूज कर सकते हो, ये इसका मेन काम है। इसके अलावा फाइनली जो एक्सपीरियंसेस है उसको प्रमोट करना है, उसको एक्सचेंज करना है, ताकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके साथ में मिलकर, जितने रिस्क वगैरह है उसको मिटिगेट किया सके, उसको रिड्यूस किया सके, और दे कैन प्लान फॉर सक्सेस, यानी कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है साथ में मिलके सक्सेस के लिए प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल जो अवार्ड था फॉर ई गवर्नेंस, इसके बारे में हमने बात किया, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये ऑक्सफॉर्म इंडिया नाम का एक एनजीओ है, उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। तो आपको पहली बात तो ध्यान रखना है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट निकालता कौन है, ऑक्सफॉर्म इंडिया को मतलब निकालना है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना काफी है। अब जो डेटा वाला पॉइंट है वो हमेशा मेन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से यहां पर कुछ ही डेटा है जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपने जैसा समझा, ऑक्सफॉर्म इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, जिसके अंदर यह बोला गया है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो रिचेस्ट फैमिलीज हैं, उनकी वेल्थ यहां पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है 2021 के अंदर। तो अगर वेल्थ इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है, रिच जो है दे हैव बिकम मोर रिच। तो देखिए, अगर पैसा तो लिमिटेड है, पैसा अगर इनके पास गया, इसका मतलब है पुअर्स के पास पैसा नहीं आया है, इसका मतलब है कि पुअर हैव बिकम मोर पुअर, एंड यहां पर रिच और पुअर के बीच की जो डिस्पैरिटी थी, जो डिफरेंस था, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और रिपोर्ट के अंदर ये कहना है कि अराउंड 84% जो इंडियन हाउसहोल्ड्स थे, यानी कि जो गरीब लोग हैं, मतलब 84% जो लोग हैं, मतलब टॉप 16% को छोड़ दीजिए, बाकी जो नीचे वाले हैं, दे हैव विटनेस एन इनकम डिक्लाइन, उनका इनकम कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया कोविड-19 के बीच में। अगर आप रिचेस्ट 98 इंडियंस की बात करो, देखो ये परसेंटेज के बारे में बात नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट ए नंबर, सोचिए ये ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंचता है, सिर्फ 98 इंडियंस है जिसको यहाँ पर रिच बोला गया था ऑक्सफॉर्म इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बोला गया है कि उनके पास सिर्फ टॉप के जो 98 लोग हैं ना, उनके पास इतना पैसा है जितना नीचे के मतलब बॉटम के 552 मिलियन लोगों के पास है, मतलब 5 करोड़ 52 लाख लोगों के पास जितना पैसा है उतना टॉप के सिर्फ 98 लोगों के पास है। तो आप समझ रहे हैं डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है, सिर्फ मतलब लेस देन 100 पीपल है उनके पास इतना पैसा यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है, उतना पैसा यहाँ पर 550 मिलियन लोगों के पास भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप 2021 की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ जो बिलियनर्स हैं उनका नंबर काफी इंक्रीज हुआ है कोविड पैंडेमिक के टाइम में, पहले 102 हुआ करते थे, दैट हैज नाउ इंक्रीज्ड फ्रॉम 102 टू 142, मतलब अब इतने बिलियनर्स हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, देखिए उनकी कैपेबिलिटीज पे आप यहाँ पर शक नहीं कर सकते, द पॉइंट इज कि यहाँ पर एक सोशल जो लेवल है ना, वहां पर अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहां पर सोशल डायलेमास काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई है, सोशल इनइक्वालिटीज मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुई है। ये लोग यहाँ पर अगर ऊपर उठे इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो नीचे वाले लोग हैं ये लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं, ये मेन इशू है हमारे लिए। अगर आप टॉप 100 फैमिलीज देखेंगे इंडिया की, तो उनका सब मिलाकर जो पैसा है दैट इज मोर देन 57.3 ट्रिलियन। ठीक है, इतना पैसा है इनके पास मिला करके, मतलब इतनी वेल्थ है यहाँ पर सिर्फ टॉप 100 लोगों के पास में। नाउ यहाँ पर जो ये आर्टिकल है इसके अंदर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि एक्जैक्टली इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने बताया है, और ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सबसे पहले आपको जो रिचेस्ट 10% लोग हैं उनसे आपको ज्यादा टैक्स लेना होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जो भी पैसा आपको मिलेगा उस पैसे को आप यूज कीजिए, फंडिंग कीजिए इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। कैसे, आप जो नीचे वाले लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कीजिए उन पैसों से, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। समझ रहे हैं, मतलब अमीर से पैसा लो और गरीब को पैसा दो, ये एक्चुअली सोशल बैलेंस है। सोशल बैलेंस क्या है, इसके थ्रू आप सोसाइटी के अंदर बैलेंस लेकर आ सकते हैं। ऑक्सफॉर्म का जो रिपोर्ट है वो और ज्यादा ये बोलता है कि हर 10 सालों में कम से कम 2 सर्वेस लगातार होने चाहिए, पहला होना चाहिए जो इनइक्वालिटी को मेजर करे, और दूसरा होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी कितनी इंक्रीज हुई है जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, इनफॉर्मल वर्कर्स जो किसी भी टाइप के फॉर्मलाइजेशन मतलब फॉर्मल वर्क्स के अंदर नहीं है, मतलब जिनके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है,
या फिर जो किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स आप कह सकते हैं, जो बिना किसी सोशल सिक्योरिटी काम करते हैं, उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या इंक्रीज हुई है, फिर उतनी की उतनी ही है, इस चीज को यहाँ पर आपको मेजर करना है हर 10-10 साल में। ऐसा ऑक्सफैम ने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो ये दो चीजें बोली है कि पहला तो आपको इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए हर 10 साल में, और सेकंड आपको सोशल सिक्योरिटी जो लोगों की इनफॉर्मल वर्कर्स की उसको आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज करना चाहिए। अगर आप ऑक्सफैम की देखेंगे तो ऑक्सफैम ये बोलता है कि अगर हम जो टॉप के 98 बिलियनर्स जिसके बारे में हमने बात की अभी, सिर्फ 98 लोगों पर ही अगर आप 4% टैक्स लगा दोगे ना, 4% वेल्थ टैक्स लगाओगे, तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास कि वो 17 साल तक मिड डे मील प्रोग्राम को प्रॉपर्ली चला सकते हैं और ये पैसा खत्म नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। देखिए ये पॉइंट आप डायरेक्टली, ये जो अगले दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आप डायरेक्टली अपने एसेज के अंदर, अपने जीएस पेपर्स के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर से समझिए, जो टॉप 98 बिलियनर जो बिलियनर्स हैं, उनका उनके जो भी वेल्थ है उनके पास, उस पर अगर आप सिर्फ 4% का टैक्स लगाते हैं, दिस टैक्स इज कॉल्ड एज वेल्थ टैक्स। ठीक है, जो भी उनके पास पैसा है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, वेल्थ टैक्स लगाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आएगा कि वो अगले 17 सालों तक मिड डे मील प्रोग्राम को बिना किसी रुकावट के चला सकती है। आपको ये पर्टिकुलर डेटा प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, काफी अच्छा डेटा है। सेकंड चीज, ऑक्सफैम ये भी बोलता है कि जो भी जितने भी ऊपर वाले लोग हैं, मतलब जितने भी बिलियनर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप सिर्फ 1% का वेल्थ टैक्स अगर लगाते हैं, देखिए ऊपर हमने बात की तो 4% टैक्स की, 4% टैक्स को भी छोड़िए, अगर आप सिर्फ 1% टैक्स लगाते हैं ना, तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा जो कि आप जिससे आप टोटल एक्सपेंडिचर भर सकते हैं हर एक बच्चे की स्कूल एजुकेशन की, उनको लिटरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप आयुष्मान भारत स्कीम को अगले 7 सालों तक मतलब वो रन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। आप समझ रहे हैं कि अगर आप 4% यहाँ पर टैक्सेस लगाएंगे तो आप यू नो अराउंड 17 सालों तक मिड डे मील स्कीम को रन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 1% टैक्स भी लगाया तो भी आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप हर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए, हर एक बच्चे की लिटरेसी के लिए, या फिर आयुष्मान भारत को आप यहाँ पर अगले 7 सालों तक बिना किसी रुकावट के रन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, काफी अच्छा डेटा है। और आप इसमें डायरेक्टली आप जो ऑक्सफैम का अगर आप नाम लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, मतलब ऑक्सफैम ने ये डायरेक्टली रिपोर्ट दिया हुआ है तो आप उसे कोट कर सकते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बोला गया था कि इंडिया जो है बहुत ही अनइक्वल कंट्री है, वेरी अनइक्वल कंट्री, जिसमें बोला गया था जो टॉप 10 पीपल है, मतलब सिर्फ टॉप 10% भी नहीं, सिर्फ टॉप जो 10 पीपल हैं उनके पास हमारी पूरे कंट्री का आधे से ज्यादा वेल्थ है, मतलब 57% वेल्थ है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जो बॉटम हाफ है, यानी कि नीचे वाले जो 50% लोग हैं, उनके पास मिलाकर सिर्फ 13% पैसा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि जो गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यूज हैं वो बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है। बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेट इसलिए है बिकॉज इनका सारा का सारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स का सीधा सा मतलब है कि जो पैसा आपके इनकम के ऊपर लगा सकते हैं, शॉर्ट में समझिए कि जो जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने जितना इनकम कमाया, ठीक है, उसके उसके ऊपर जितना पैसा लगता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। मतलब एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जिसने वो इनकम कमाया है उसी को पैसा देना पड़ेगा, कोई और उसके बदले पैसा नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है, अब इस पेन को बनाया किसी और कंपनी ने, बट इसको पे करेंगे वो जो कि इस पेन को खरीदेगा, मतलब जो कंज्यूमर होगा फाइनल इस टैक्स को पे वो करेगा जो कि इस पेन को खरीदेगा। तो देख रहे हैं बनाया किसी और ने, मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, मतलब कोई और है, बट इसको पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें बर्डन शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब ये टैक्स जो जो भी इस चीज को बनाएगा जरूरी नहीं कि वही पे करे, कोई और भी पे कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब देखिए ऑक्सफैम रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया की जितने भी टैक्स रिवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी टैक्स है, हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, हम डायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मुकेश अंबानी जो है, अगर वो जितना पैसा कमाते हैं उनसे अगर आप सेम टैक्स लोगे, उनसे अगर आप टैक्स लोगे, दैट विल बी काउंटेड इन डायरेक्ट टैक्स। और एक गरीब फार्मर जो है वो जितना पैसा कमा रहा है उससे आप जो टैक्स लोगे, दैट विल बी काउंटेड इन डायरेक्ट टैक्स, अगर आप उसके इनकम को यहां पर कैलकुलेट करते हो तो। राइट, यहां पर दोनों का टैक्स यहां पर अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज अंबानी यहां पर बहुत ज्यादा टैक्स कमाते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा यहां पर पैसा कमाते हैं तो उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जो फार्मर है जिनकी इनकम बहुत कम है उनसे यहां पर कम पैसा लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये टाइप का प्रोग्रेसिव टैक्स है। बट अगर आप यहां देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये एक टाइप का रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स क्यों है, बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए एक पर्सन जो है वो कोलगेट खरीदने जा रहा है, ठीक है, कोलगेट, अब देखिए अगर अंबानी खुद जाएंगे कोलगेट खरीदने तब भी उनको 85 रुपए में मिलेगा, बिकॉज उसका एमआरपी 50 रुपए है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका 50 रुपए है, और अगर एक कॉमन पर्सन जाएगा वो उसको भी यहां पर 50 रुपए ही देना पड़ेगा, तो दोनों के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं यहां पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों में इसमें क्या रिग्रेसिव है, बिकॉज ये पर्सन जो इजिली अफोर्ड कर सकता है इस पर्टिकुलर 50 रुपए को उसको तो चलो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये पर्सन जिसको 50 रुपए में भी
दिक्कत हो रही है जो कि इजिली अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए तो ये पर्टिकुलर टैक्स बहुत ज्यादा है ना, उसके लिए यहां पर इस टैक्स को कम करना चाहिए था। तो यही चीज ऑक्सफर्म रिपोर्ट कहना चाह रही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इसके ऊपर हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट है कि इसके कारण हमारे यहां पर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बिकॉज इट मेक्स ऑल द पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ सेम टैक्स रेट एट द सेम प्राइस। ठीक है, ये दिक्कत है यहां पर। दस, अगर आप टैक्स रेट देखेंगे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दैट इज सिमिलर टू द वेल्थीस्ट पीपल। देखा आपने, जैसे अंबानी भी इसको 50 रुपए में खरीदेंगे, एक नॉर्मल पर्सन भी उसको 50 रुपए में ही खरीदेगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या मतलब क्या फायदा मिला जो एक पर्सन पुअर है उसको इस चीज का क्या फायदा मिलेगा कि मतलब ऑब्वियसली उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो यहां पर इसके टैक्सेस को कम करना चाहिए। हमारे कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब है ऐसा है कि जो पर्सन नीचे है उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, तो लोअर इनकम के बावजूद अगर आपको सेम टैक्स पे करना पड़ रहा है जो जितना वेल्दी पर्सन कर रहा है, तो ये हमें हमारे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसी कारण हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बोला जाता है ऑक्सफर्म रिपोर्ट के अनुसार। नाउ देखते हैं, समझते हैं कि ऑक्सफर्म इंडिया है क्या। देखिए, ऑक्सफर्म इंडिया एक टाइप का एनजीओ कह सकते हैं आप, एक टाइप का मूवमेंट है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल जो कि हु आर वर्किंग ताकि डिस्क्रिमिनेशन को एंड किया जाए, ताकि एक फ्री एंड जस्ट सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, एक समाज इतना ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग जो कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए इन सब चीज़ों से। अब उनका काम ये है, उनका मेन एम ये है, जो आदिवासी है, मुस्लिम्स है, दलित्स है, वुमेन्स है, गर्ल्स है, जिनको यहाँ पर प्रॉपर राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, उनको पहली बात तो एक वायलेंस फ्री लाइफ देना है, और सेकंड इज उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना है सो दैट दे कैन स्पीक देयर माइंड। मतलब देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बी दे हो सकता है कि वो आदिवासी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, वुमेन हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, सबको यहाँ पर सेम टाइप की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर ऑक्सफर्म इंडिया का मेन काम है, इसी चीज के लिए यहाँ पर ये लगातार फाइट करता रहता है। आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट चाइना का जो लो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब बर्थ रेट और ज्यादा डिक्रीज हो गया। पिछले साल तो इतना कम था ही, अब और ज्यादा कम हो गया। ऑफिशियल डेटा आया चाइना का, जिसके अनुसार ये मालूम चला कि चाइना का जो बर्थ रेट है दैट हैज डिक्लाइन टू अ रिकॉर्ड लो 2021 के अंदर। और एनालिस्ट जो है वहां के, जो चाइना के जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह है, वो लगातार वार्न कर रहे हैं कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है दैट इज एक्चुअली एजिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। मतलब उनकी जो एज है वो लगातार मतलब बढ़ रही है। ऑब्वियसली जो उनका एवरेज एज है पूरे चाइना का वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए इसका कंसर्न क्यों है? कंसर्न इसलिए है बिकॉज देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि कितने लोग आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है एज 18 से लेकर के 45 या फिर 50 तक आप मान सकते हैं। इस पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं वो एक्चुअली काम करते हैं। इससे छोटे वाले जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इनसे बड़े वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज के कारण दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो इन सब चीजों को यहाँ पर रोकने के लिए जो बीच का पॉपुलेशन है, यानी कि 18 से 40 का जो पॉपुलेशन है, या फिर 18 से 50 का जो पॉपुलेशन है, उसको आप बोल सकते हैं दे आर कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉपुलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आगे जाकर ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन को बनाती है। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो एक्चुअली आपकी कंट्री की जो ग्रोथ होगी वो काफी फास्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लगातार ओल्ड एज की तरफ जा रही है, मतलब जो एवरेज जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो 45 से ऊपर के हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलेशन उनकी जो है जो 18 से 40 के बीच में बची हुई है, उसके कारण इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी लगातार धीरे धीरे नीचे होना स्टार्ट हो गया। अब चाइना का देखिए, चाइना का लगातार पिछले कुछ सालों से डेमोग्राफिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो क्राइसिस का मतलब क्या है? जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में जा रही है, यंग पॉपुलेशन के पास है नहीं, यंग पॉपुलेशन ना होने के पास उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, उनके पास जो वर्क फोर्स है वो लगातार एज हो रहा है, जिसके कारण वो अपना 100% नहीं दे पा रहे। उसके कारण क्या हो रहा है, और साथ ही साथ देखिए अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये मालूम चला है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है दैट इज वन ऑफ द वीकेस्ट, दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसका भी, उसके पास भी इतने पर्सन ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, मतलब ये भी आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि अगले 10 सालों के अंदर एक नया वर्कफोर्स आ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट वर्कफोर्स भी बहुत ही कम आने वाला है, बिकॉज ज्यादा बच्चे यहां पर पैदा ही नहीं हो रहे। ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइना का कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी। अगर आप 2021 के बर्थ रेट की बात करेंगे चाइना की, दैट हैज डिक्लाइन टू अराउंड 7.52 बर्थ्स पर 1000 पीपल, मतलब हर 1000 पीपल पे अब सिर्फ 7.52 बर्थ्स ही हो रहे हैं, मतलब इतने ही लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स बन रहे हैं मतलब हर साल। ठीक है, इतना ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। अगर आप 2020 में देखेंगे तो यही डेटा अराउंड 8.52 का था, तो कंपैरेटिवली यहां पर देखिए ऑलरेडी बहुत कम था, ये और ज्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह वो कर रहा है, इमर्ज हो रहा है। अगर आप 2021 यानी कि लास्ट ईयर देखेंगे तो इनका जो बर्थ रेट था दैट हैज मतलब उसके अंदर सिर्फ 10.62 मिलियन बर्थ ही हुए हैं, मतलब सिर्फ इतने ही बच्चे पैदा हुए हैं पिछले साल के अंदर। अगर आप नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे चाइना का, दैट हैज डिक्रीज टू अराउंड 0.34%। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो उनका पॉपुलेशन रेट जो था जो ग्रो कर रहा था दैट वाज ग्रोइंग एट अराउंड 1.45 के स्पीड पे, बट ये अब रिड्यूस होकर 0.34 आ गया है। आप समझिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो कि 1.45 के स्पीड से ग्रो कर रहा था ये 0.34 पे आ गया है। ये क्या है 0.45 एंड 0.34? आई होप आपने TFR सुना होगा, राइट, टोटल फर्टिलिटी रेट सुना होगा आपने। TFR कितना होता है? आइडियल TFR होता है 2.1,
2.1 का मतलब है कि ये एक ऐसा TFR है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि अगर इस नंबर को फॉलो किया जाए तो द पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रेप्लीकेट इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल सा मतलब है इसका। मतलब देखिए, एक हस्बैंड और एक वाइफ, यानी कि 1+1=2, तो दो लोग जो है अपने साथ में दो बच्चे जब करते हैं तो इसका मतलब है 1+1, यानी कि वो अपने साथ में दो बच्चों को और लेकर आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक पर्टिकुलर हेल्दी वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, इसे कहते हैं TFR। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहां कंसेप्ट देखेंगे तो आइडियल TFR दैट इज 2.1। ठीक है, मतलब अगर हर एक कपल जो है 2.1 बच्चों को पैदा करता है, इतनों को जन्म देता है, तो हमारी पॉपुलेशन एक्जैक्टली खुद को रेप्लीकेट कर लेगी। बट यहां पर देखिए, पिछले साल ये चीजें धीरे धीरे 1.45 पे आ गई थी, मतलब पिछले साल, और ये अब रिड्यूस होकर 0.34 पे जा चुकी है। चाइना हैज यू नो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन और बहुत बुरी तरीके से डिक्रीज, मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, ये चाइना का जो रिसेंट जो डेटा आया है दैट इज एक्चुअली लोएस्ट, ये बहुत ही लो है। जो अभी जब से चाइना का स्टैट्स, मतलब इन्होंने रखना स्टार्ट किया है पॉपुलेशन के बेसिस पे 1978 से, तब तो मतलब तब से तो सबसे लोएस्ट है ही, बट माना जा रहा है कि जब से कम्युनिस्ट चाइना बना है, ये पर्टिकुलर चाइना जब 1949 में बनी थी ना, तब से आज तक का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है इस पर्टिकुलर साल में। इसका मतलब क्या है कि अगले 10 साल के बाद जो वर्किंग पॉपुलेशन आएगा उसके अंदर जो लोग होंगे वो बहुत ही कम होंगे। अगर आप 2016 की बात करेंगे, चाइना ने यहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स किया था, तो रिलैक्स किया था इसका मतलब क्या है, इससे पहले यहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी था। क्या होता है वन चाइल्ड पॉलिसी, जहां पर चाइना ने फोर्स किया था लोगों को कि आप सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हो। इसका रीजन क्या था, रीजन इसका यह था बिकॉज इससे पहले चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ कर रही थी, मतलब वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टर्म आ रहा था। ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर चल रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टर्म, सेम टर्म यहां पर चाइना के अंदर आ रहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, और इस चीज को उसने रोकने के लिए, मतलब देख अच्छा एक मिनट, पॉपुलेशन को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे उसका इशू क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, क्यों वो लोग पॉपुलेशन को एक्सप्लोर नहीं होने दे रहे थे, बिकॉज देखिए रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ना, तो क्या होगा उसकी जो मतलब रिसोर्सेस सेम रहने वाले हैं बट उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग लगातार मतलब इंक्रीज होंगे, तो उससे क्या होगा रिसोर्सेस बहुत जल्दी खत्म होंगे। इस चीज को रोकने के लिए चाइना ने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, और उस चीज को मतलब लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई बिकॉज उनका वर्कफोर्स कम हो गया। तो 2016 के अंदर चाइना ने इस चीज को रिलैक्स करना स्टार्ट किया, बोला कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब से हम बंद करते हैं, अब आपको अलाउड है कि आप दो बच्चे रख सकते हो, मतलब दो बच्चे आप हो सकते हो। लेकिन देखिए 2016 से पहले जब वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई थी ना वो लोग, तो लोगों की मेंटालिटी काफी ज्यादा चेंज हो गई थी, मतलब उन्होंने लोगों को फोर्स किया था कहीं ना कहीं, स्टरलाइजेशन वगैरह काफी किया गया था, उसके कारण क्या हुआ था, लोग एक मतलब लोगों को काफी टाइम लगा था इस चीज को मेंटली एक्सेप्ट करने में। तो अचानक से अगर आप बोलोगे कि ठीक है अब आप दो बच्चे कर सकते हो, तो इसका यह मतलब तो है नहीं कि मतलब अचानक से बेबी में बूम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी कारण क्या हुआ 2016 में ऑल दो उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, मतलब टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, बट इसके बावजूद इस चीज को मतलब अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया, पूरी तरीके से फेल हो गया। 2021 में रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर थर्ड अलाउ कर दिया, मतलब अब आप तीन बच्चे कर सकते हो। अब देख रहे हैं चाइना कितनी डेस्पिरेटली यहाँ पर बच्चों को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में उनका वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना इसमें पूरी तरीके से फेल हो रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे, चाइना ने स्पेसिफिक बर्थ कोटा मतलब स्टार्ट किए हुए थे, जैसे हमने बात किया पहले थ्री, मतलब पहले वन चाइल्ड पॉलिसी था, फिर टू चाइल्ड पॉलिसी आया, और अभी रिसेंटली थ्री चाइल्ड पॉलिसी आया है, और इन सब चीजों को चाइना जो है बहुत ही हार्शली इन्फोर्स करता है। अगर आप वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि अगर आप वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करेंगे, तो एक टाइप का पॉपुलेशन को प्लान करने का इनिशिएटिव था, जो कि 1980 में स्टार्ट हुआ था और ये 2015 तक चलता है, मतलब इस 35 सालों तक, मतलब अराउंड 35 ईयर्स तक इन्होंने अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कर्व करने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने बोला कि आप एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकते, अगर आपने इसको किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब यहां पर बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे। यहां तक कि देखा गया था फोर्स्ड स्टरलाइजेशन यहां पर कराया जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण ताकि जो मेल एंड फीमेल है वो आगे जाकर एक से ज्यादा बच्चा ना कर पाए। No. इसे कारण क्या हुआ, इस पॉलिसी के कारण सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो गए, बिकॉज देखिए धीरे धीरे बर्थ रेट तो रिड्यूस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं था, बर्थ रेट उनका मतलब रिड्यूस हो गया पूरी तरीके से, बट द पॉइंट इज कि इतनी ज्यादा बर्थ रेट रिड्यूस हो गया कि अब ये चाइना जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो गया। तो ये हमने देखा फर्स्ट चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी का, फिर आया टू चाइल्ड पॉलिसी, जैसे हमने बात की 2015 के दिसंबर में, यानी कि आप मान सकते हैं 2016 के स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर टू चाइल्ड पॉलिसी आती है, जो कि 2016 से लेकर के 2021 तक रहती है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर वो बोला जाता है कि आप दो बच्चे कर सकते हो, लेकिन अगेन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर लोग मतलब ये चीज पूरी तरीके से फेल हो गया। और 2021 में देखिए 2020 में क्या हुआ, देखिए 2020 में जब तक ये टू चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था, ये टू चाइल्ड पॉलिसी होने के बावजूद यहां पर जो नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ थे एक पर्टिकुलर साल में सिर्फ 12 मिलियन ही हो पाए, मतलब सिर्फ 12 मिलियन बच्चे ही पैदा हुए, दैट वाज लोएस्ट सिंस 1960। और इसके कारण चाइना को यहां पर थोड़ी सी अकल आनी स्टार्ट हुई, चाइना ने बोला कि यहां पर आप थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर सकते हो, मतलब उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, जहां पर उन्होंने थर्ड चाइल्ड अलाउ कर दिया अपने मतलब किसी भी कपल्स के लिए। बट अब एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाइना के अंदर जो सोशल स्फीयर है, चाइना के अंदर जो
मेंटल स्फीयर है ना, वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज काफी दिनों से चल रहा है, वन चाइल्ड पॉलिसी का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो जो फैमिलीज वहां पर जो प्लान करती है, देखिए बच्चा प्लान करना इज टोटली एक सिंपल कंसेप्ट नहीं होता, एक बहुत बड़ी कंसेप्ट होता है। बिकॉज देखिए आपको उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए, आपको यू नो वहां पर इकोनॉमिक्स को देखना होता है, आपको पैसे देखने होते हैं, आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ पर एक चाइल्ड को प्लान करते हो। तो यहाँ पर अचानक से अभी तक जो लोग थे, जितने भी कपल्स थे, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सुना था, वो लगातार वन चाइल्ड के लिए अपना मतलब वो उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी। अचानक से अगर आप बोलेंगे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर जाके बोले कि थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कपल अपने आपको अचानक से चेंज कर लेगा, राइट। काफी सारी प्लानिंग्स वगैरह करनी होती है, उसके बाद ये चीजें चेंज होती है। तो देखिए ऑल दो थ्री चाइल्ड पॉलिसी आ गई है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब इस चीज का वो नहीं है कि ये चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये थर्ड टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक था, ये प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रिविजन पार्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आंसर करना है। ये आज ही के जितने भी हमने चीजों को डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। The first question was, the first question is that the lower range of ideal inflation rate in India is 4%. Second question is that the RBI has a single objective to curb inflation in India. Third is CHIPS to startup program, यानी कि C2S program जो है, it includes both designing and making prototypes. Fourth question is, what district of Nagaland has been awarded in the way it has tackled violence due to Naxalism. The next question is, inequality kills report highlights the decrease in inequality in India in 2021. And the last question is that China has passed three child policy to deal with declining workforce. जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट पंजाब हैज बॉर्डर विद फोर इंडियन स्टेट्स। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखिए ऊपर से जेएनके हो गया, ठीक है। अगर आप पंजाब को से देखेंगे तो ऊपर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्का सा जेएनके को वो करता है, टच करता है। सेकंड आप देखिए यहाँ पर हिमाचल को करता है हल्का सा, नहीं हरियाणा करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए हरियाणा को करता है, हिमाचल, हरियाणा और यहाँ पर नीचे करता है राजस्थान को। तो ये चार ऐसे स्टेट्स है जिसको डायरेक्टली पंजाब टच करता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हर एक स्टेट का ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड बाय अ स्पेशल बॉडी फॉर्म बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी नहीं, स्टेटमेंट है, इसको कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है इसका भी जो इलेक्शन होती है। थर्ड, जो मार्क भी हुई है, जो क्या ये असम का न्यू ईयर है? जी नहीं। कौन सी बिहू होती है जो इसका जो होता है वो न्यू ईयर होता है? इट इज कॉल्ड एस रोंगाली बिहू, ठीक है। रोंगाली बिहू जो होता है वो असम का न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट इज गमोचा इज अ ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ वेस्ट बंगाल विच वॉज यूज इन एंटी सीए प्रोटेस्ट। देखिए ये बात सही है कि गमोचा को एंटी सीए प्रोटेस्ट में यूज किया गया था, बट ये वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये असम का है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज चाइना हैज रिसेंटली रिफ्यूज टू हेल्प श्रीलंका बिकॉज श्रीलंका आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया टू। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इंडिया चाइना दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट इज जर्मनी इज अ मेंबर ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए एक तो P5 कंट्रीज थी, एक ईरान था और साथ में जर्मनी थी। P5 प्लस वन कंट्री जो थी ना, वो प्लस वन जो था वो जर्मनी था यहाँ पर। नेक्स्ट इज इंडिया हैज बिकम चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, फास्टेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट इज करेक्ट। काफी ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ है, 43% की स्पीड से ग्रो हुआ है, बट लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कौन सा उसका? आसियान है, जो डिफरेंट यूरोपियन यूनियन है वो सब है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट इंडिया इज एन इंपोर्टर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई फ्रॉम चाइना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेडिसिन को बनाने के अंदर जो अंदर का कॉम्पोनेंट होता है ना, उसका एक कॉम्पोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसको बनाने में मतलब उसको इंपोर्ट करने में चाइना सबसे आगे है, मतलब इंडिया सबसे आगे है चाइना से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिसको हमने प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।